1B क्लास बेटे, जैसे मैंने उस दिन जून क्लास में सारा बताया, रूल्स क्या हैं अकाउंटिंग के और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और जनरल की भी मैं कुछ का एंट्रीज करके बताई थी। उसके आगे हम पूरा सम करके बताती हूँ आपको कि जैसे बुक ऑफ सुनैना, ये जर्नल हम बनाएंगे। सुनैना ने कैश लेके आई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो लेके आई कैपिटल के रूप में। तो कैपिटल और कैश दो चीजों का होना, मैंने बोला था जर्नल एंट्री में कम से कम दो चीजों का होना जरूरी है। एक चीज को हम डेबिट करेंगे और एक चीज को क्रेडिट करेंगे। तो कैश लेके आई, कैश किस रूप में आया? कैपिटल। तो कैश जब भी बिजनेस में आता है तो क्या जर्नल एंट्री बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि देखो दो चीजें होगी, एक कैश हो गया और एक कैपिटल। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। इसमें एक अमाउंट को हम करेंगे डेबिट, उसी अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और ये किस डेट को आया है? जैसे कि आपको जर्नल में बताया गया है अप्रैल 1, 2020। और सेकंड जो जर्नल एंट्री बनती है कैश परचेज, उसने चीज़ों को खरीदा है कैश में, तो वो चीज़ को कहते हैं परचेज। चीज गुड होएंगी तभी सेल, तभी परचेज। जब हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो कैश हमारा जाता है। तो कैश जाए तो क्या करते हैं रूल के अकॉर्डिंगली? तो क्या बताया था रूल के अकॉर्डिंगली? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गया तो नीचे आ गया टू कैश अकाउंट, तो कितना आ गया? 40,000 और 40,000। ये सारी जर्नल एंट्री हमने उस दिन करी थी, आज भी रिपीट हो रही है। अप्रैल 7 को क्या करा? कैश सेल करी है 15,000 की। सेल करी तो बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश आएगा तो डेबिट बट कम्स इन, तो क्या आ गया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में डाल दो 15,000 और क्रेडिट में डाल दो 15,000। उसके आगे आती है जर्नल एंट्री वेजेस। बेटे उसी दिन भी बताया था वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। तो मजदूरी को पे करते हैं तो कैश जाता है, दो चीज़ों का होना जरूरी है। वेजेस को हम डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो अप्रैल 10 की जो जर्नल एंट्री बनती है तो वो बनती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कितने से? 2,000 से, 2,000 2,000। उसके बाद आता है 11th अप्रैल 11th को हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं। तो बेटे बैंक में पैसे भेजे हैं तो कैश हमारा बैंक में जा रहा है, दे रहे हैं उसको, तो दे रहे हैं इसलिए कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा, और बैंक क्या होगा? डेबिट। सो अप्रैल 11 की क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे गुड्स का कोई अपना अकाउंट नहीं होता, इस वजह से हम उसको परचेज या सेल चीज लिखते हैं। ये है बेटे। आगे है अप्रैल 13 को चेक पे किया, रेंट जो है वो क्या किया? चेक द्वारा दिया, कैश नहीं दिया, तो रेंट भी पे करते हैं, तो क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक को क्या लिखना? कैश नहीं लिखना, उसको क्या लिखना हमने? बैंक। ये थी 5,000 की। तो बेटे ये था आपका सम। इस तरह से अगर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट, दोनों का टोटल सेम होता है। ये थे जर्नल के आज मैंने कंसेप्ट करे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बेटे सब मैं स्टेटमेंट भी भेज दूंगी और ये सॉल्व करके आपको बता दें। थैंक यू।